किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के खेती ज्ञान में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए धान की तीन ऐसी प्रमुख वैरायटी लेकर आए हैं जिनकी रोपाई यदि आप अपने खेत में इस वर्ष करते हैं तो हर वर्ष के मुकाबले में आप इस वर्ष बहुत ही शानदार उत्पादन ले पाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको इन तीनों वैरायटी के पकने का समय क्या है, इसका उत्पादन कितना मिलता है, कब आपको रोपाई करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, नंबर तीन पर जो हमने वैरायटी रखी है, इस वैरायटी का नाम है एराइज 6129 गोल्ड। किसान साथियों, इस वैरायटी की रोपाई आप 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक कर सकते हैं। यह वैरायटी मात्र 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, यदि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही शानदार है। आपको इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो ब्लास्ट रोग हो। यह किसान भाइयों, इस वैरायटी को BLB रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसके कल्ले की बात करें तो आपको इसके एक पौधे में से 18 से लेकर 20 कल्ले तक देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, इसका चावल का दाना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यदि इसके कुल उत्पादन की बात की जाए तो आप 30 से लेकर 34 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आप इस वैरायटी को नहीं लगाना चाहते तो नंबर दो पर जो हमने वैरायटी रखी है, यह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है PR131। किसान साथियों, इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक कर सकते हैं। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज की मात्रा लेनी होगी। यदि इसके पौधे की हाइट की बात करें तो इसका पौधा बहुत ही कम हाइट, जिसकी हाइट होती है 102 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक होती है। किसान साथियों, कम हाइट होने के कारण यह वैरायटी नीचे नहीं गिरती है और मात्र 130 से लेकर 140 दिन के मध्य में पक करके तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में भी आपको कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। यह वैरायटी BLP रेजिस्टेंस है। किसान साथियों, ब्लास्ट रोग, झंडा रोग या अन्य जितने भी प्रकार के रोग आपको धान की फसल में देखने को मिलेंगे, इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग आपको नहीं दिखेगा। साथ ही किसान भाइयों, यदि इसके कुछ खासियत की बात की जाए तो इसका दाना मोटा, भारी और वजनदार होता है। जब भी आप इसकी कुटाई करवाते हैं तो कुटाई करते वक्त आपके जो चावल का दाना होता है वह इसमें टूटता नहीं है और भूसे में से ज़्यादा 70-80% तक चावल की मात्रा निकलती है। साथ ही किसान भाइयों, यदि इसके उत्पादन की बात की जाए तो आप इस वैरायटी में से 30 क्विंटल से लेकर 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर एक पर जो मैंने वैरायटी रखी है, यह बहुत ही खास और सबसे लोकप्रिय वैरायटी होने वाली है। आपने इस वैरायटी का नाम अवश्य ही सुना होगा। बहुत से बड़े पैमाने पर किसान भाई इस वैरायटी की रोपाई करके धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन लेते हैं। इस वैरायटी का नाम है एराइज 6444 गोल्ड। यह भारत में सबसे ज़्यादा लगाने वाली धान की वैरायटी है। आप इसको हर प्रकार की मिट्टी में लगा करके धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, इसकी रोपाई का समय 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक का है। आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा लेनी होगी और इस वैरायटी की जो पकने का समय है वह मध्यम प्रकार का है। किसान साथियों, 130 से लेकर 135 दिन की मध्यम में पककर तैयार हो जाती है। सभी रोगों के प्रति इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। आपको इसमें झंडा रोग, ब्लास्ट रोग या इत्यादि कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेंगे। आपको एक पौधे से 15 से लेकर 20 कल्ले तक देखने को मिल जाएंगे। इस वैरायटी का तना बहुत ही मजबूत होता है। तना मजबूत होने के कारण इस वैरायटी के जो खासियत है वह है कि तेज हवा में भी यह नीचे नहीं गिरती है। यदि इसके कुल उत्पादन की बात की जाए तो आप 30 से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको तीन वैरायटी बताई है। आपको इन तीनों में से जो भी वैरायटी अच्छी लगती हो आप उसकी रोपाई करके धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।